नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की बड़ी अपडेट कुपवाड़ा से आ रही है। वहां पर आज जो है एम्बुश लगाकर फिर से जो है हमला करने की कोशिश की थी आतंकियों ने, और जब इस घटना के बारे में वहां पर जानकारी मिली हमारे सुरक्षा बलों को कि वहां पर कुछ ऐसे सस्पिशियस एस्पेक्ट देखे गए हैं, तो उन्होंने वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया। और ऐसे में जब वहां पर आतंकी छुपे हुए थे तो उन्हें ये अंदेशा हुआ कि हम सुरक्षा बल जो है उनके आसपास है, तो उन्होंने जो है उन पर जो है गोलाबारी की और जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों के तरफ से भी हुई है, जिसमें अभी तक एक आतंकी जो है वो इसमें मार गिराया गया है और लगभग 3 से 4 जो हमारे इसमें जवान है वो इसमें घायल है। एक मेजर भी जो है इसमें घायल हुआ है, और सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है वो ये है कि एक जवान जो है उन्होंने इसमें शहादत पा ली है। लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पर जो है मुठभेड़ लगातार जारी है, और ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये आतंकी हैं उन्हें पकड़ लिया जाए। और फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार इस समय जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कुनकारी इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन इस समय चल रहा है, और लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन जो है आप जम्मू संभाग में इस समय देखने को नजर आ रहे हैं। लगभग 46 दिन हो चुके हैं, और 46 दिनों में अब तक 11 से 12 जो हमारे जवान हैं उन्होंने शहादत पाई है, और लगभग कम से कम 10 लोग जो हैं वो उन्होंने भी इसमें अपनी जान गंवा दी है। और इस समय जो सिचुएशन जम्मू संभाग की बनी हुई है उससे आम लोगों के बीच में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से जम्मू संभाग में अब एनकाउंटर्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। उच्च स्तरीय बैठक भी इसमें की जा रही है। आपने देखा होगा कि कल जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो करगिल में अपना भाषण दे रहे थे तब उन्होंने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों की कोशिश को एक बार फिर से नाकाम किया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में लगातार इस समय मुठभेड़ जारी है, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि एक आतंकी इसमें जो है वो मार गिराया गया है, और साथ ही साथ हमारे 4 जवान हैं उन्होंने इसमें 4 जवान इसमें इंजर्ड हुए थे, जिसमें एक जवान ने शहादत पाई है। एक मेजर रैंक ऑफिसर भी जो है जो इस एनकाउंटर में इंजर्ड हुए हैं, और अब इन सबको इस समय जो है नज़दीकी अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए ले जाया गया है। ये आज की बात नहीं, देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से इजाफा हो रहा है आतंकियों हमलों में, चाहे बात हो कठुआ की, चाहे बात हो रियासी की, राजौरी की, पुंछ की, तो इस तरह के हमले जो है लगातार देखने को नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन को भी काफी कड़ा कर दिया गया है। इस समय जो आपको बताया कि यहाँ जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में KV और जितने भी आर्मी स्कूल हैं उसमें जो पढ़ाई है उसे ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि स्कूलों को भी इस समय बंद कर दिया गया है। जितने भी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हैं या आर्मी स्कूल है, क्योंकि इस समय सिचुएशन बनी हुई है वो अपने आप में एक डर का माहौल जो है लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ है। लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल है वो कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। इसका उदाहरण जो है ये बार बार हमें देखने को नजर आ रहा है। लगातार इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर भी इस तरह की सस्पिशियस मूवमेंट देखने को नजर आती है हमारे सुरक्षा बल सतर्क हो जाते हैं, और वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाता है। और ऐसे में पूरी कोशिश की जाती है आम जनता को जो है कोई मुश्किलात ना हो, इसके लिए उन्हें पहले ही सुरक्षा बलों की तरफ से अलर्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो मैं आपको बता रही हूँ ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कुनकरी इलाका है, जहां पर ये अभी घुसपैठ LOC के पास घुसपैठ की गई है पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से, और इसमें एक आतंकी जो है उसे मार गिराया गया है। लगभग 4 से 5 जो हमारे जवान है वो इसमें घायल बता रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि एक जवान इसमें उन्होंने शहादत पाई है। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट कुपवाड़ा से, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये आतंकी जिन्होंने LOC से घुसपैठ करने की कोशिश की है उन्हें जल्द से जल्द जो है मौत के घाट उतार दिया जाए। ये थी इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।